हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज मैं आपको कुछ आइटम दिखाता हूँ स्टेशनरी के, जिसमें मैं आपको आइटम वाइज उस पर प्रॉफिट बताता हूँ कि कितने प्रतिशत का प्रॉफिट इसमें आपको मिल जाता है अगर आप वो चीज़ खरीदते हैं। तो मैं आपको आइटम वाइज दिखाता हूँ और बताता हूँ आपको कि इस आइटम पर कितना प्रतिशत का मार्जिन है। और अलग अलग आइटम हैं बहुत सारे, उन पर मैं आपको कुछ आइटम दिखाता हूँ कि इस पर कितने प्रतिशत का मार्जिन आपको मिलेगा। ये हैं डोम्स, डोम्स की ये पूरा किट आता है। ये गिफ्ट आइटम में भी चल जाता है और स्टेशनरी आइटम में भी चलता है। ये पीछे भी ये डोम्स के कलर किट हैं। तो ऐसे जितने भी आपके पास कलर किट होंगे ना, इस पे आपको फ्लैट 30% का मार्जिन कंपनी देगी। 30% का मार्जिन है इसमें अपना रिटेलर वालों के लिए। ये सब जितने भी डोम्स के कलर आपको मिलेंगे, जो इसके अलावा डोम्स की आइटम नहीं होती है ना, जैसे मैं आपको बताऊं अब कलर हैं, दूसरे आइटम के कलर होंगे और डोम्स कंपनी के नहीं है, तो उस पर आपको 40% का मार्जिन मिलेगा। 35-40 ऐसा ही होता है, मतलब 35 ही रहता है ज़्यादातर, तो उसमें आपको 35 तक का मिल जाएगा। इसमें आपको 30% का मार्जिन मिलेगा। 30 भी क्या, आपको 25 मान लो, क्योंकि कभी कभी ना ये छोड़ना भी पड़ता है पैसे। जैसे कस्टमर आया तो भैया 300 रुपये का है, भैया 280 देंगे, हाँ तो ये सब मान कर चलो। वैसे आपको कंपनी जो हमें मिलता है MRP से नीचे 30% लेस करके मिलता है। मतलब अगर आप MRP पे अगर पूरा बेचोगे, जैसे इसकी MRP होगी, मैं आपको इसकी MRP दिखाता हूँ, इसकी MRP 95 रुपये है। अगर आप 95 बेचोगे तो आप इसमें 30% के हिसाब से एक मार्जिन लोगे, लेकिन लोग क्या कहते हैं 90 दे जाते हैं, तो वो मार्जिन उसमें थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है। अच्छा, अब ये कलर किट की हमने बात कर ली। ये आ गए स्कूल के बैग। अच्छा, इसमें देखो, मैंने स्कूल के जितने बैग रखे हैं कॉपी रखी हैं। कॉपी कैसे रखी हैं, मतलब इसमें सफारी की और भी दूसरी जो अच्छी कंपनी आती हैं उसकी कॉपी पड़ी हुई है ना। तो इसमें आपके ऊपर है कि आप कितना मार्जिन लेना चाहते हैं। जैसे आपको वो 100 रुपये का बॉक्स मिल जाएगा, हम क्या करते हैं 100 वाले बॉक्स पे 300 रुपये लिख देते हैं। तो ताकि ये है, इस पे हमने 320 रुपये डाल दिया। अब इस पे हमारे को ये 100 रुपये का पड़ा होगा लगभग, हमने 100 का 300, तो 100% मार्जिन के साथ भी हम काम करते हैं। लेकिन क्या होता है, कस्टमर 200 रुपये दे के जाता है, लिखने से कुछ नहीं होता। वो उसने उसके उसकी हैबिट है कम कराने की। तो कोई अच्छे कस्टमर आते हैं तो अच्छा भी रेट दे जाते हैं, कोई आएगा और कहेगा कि नहीं भैया मैं 200 नहीं, 300 नहीं दूंगा, 200 दूंगा, 150 दूंगा। तो हमें तो पता है हमारी लागत 100 रुपये है, हम डबल MRP डाल के रखते हैं इसमें, जिसमें MRP नहीं आती है। ये नॉन MRP आइटम होते हैं जिसमें हम MRP खुद बनाते हैं। तो इस पे हम उनसे समझ लो आप 100% तक का मार्जिन भी ले लेते हैं। लेकिन ज़्यादा सर आप मान कर चलो, किसी में 100 मिलता है, किसी में 50 मिलता है, किसी में 30 भी मिलता है, तो एवरेज आप 50-60% इसका मार्जिन आप मान सकते हैं। बाकी ये ना ये ऐसी आइटम है जो आपके मोहल्ले, आपके आइटम, मतलब उस पर डिपेंड करता है कि आप कितना मार्जिन उनसे ले सकते हैं, आपके वहाँ पर कैसी डिमांड्स है। ठीक है, तो ये तो वो चीज़ हो गई। ये स्टडी टेबल है, ये 200-200, इसमें 650 की MRP डाली है। ऐसे नीचे 400 के भी हैं, 500 के भी हैं। ये हमने 50% के साथ डाल रखे हैं, 50% मार्जिन है इसमें फ्लैट। अगर 100 रुपये की चीज़ है तो ये हमारी 150 रुपये की बिक रही है, मतलब ऐसा करके। तो मतलब लिखा तो हमने डबल ही है, इस पर भी हमने डबल ही लिखा है, लेकिन ये डबल पे कभी, ये जो महंगी आइटम होती है ना, ये पूरा आदमी रेट इसके कभी ही नहीं देता। तो आप ये मान के चलो 50% का मार्जिन इसमें मिल जाता है हमको। फिर ये टेडी बियर्स हैं, इस पर 30 है, 35 है, 40 है, 50 तो नहीं होगा, 30 और 40 के बीच में आपको मार्जिन मिल जाएगा कि आप 100 रुपये की चीज़ 130 में बेच देखते हो। हाँ, इतना इसमें मार्जिन रहता है। ये भी नॉन MRP आइटम है, इस पर भी हम अपनी MRP बनाते हैं, जैसे आप देख सकते हो। नॉन MRP आइटम मैं आपको बताऊंगा, अभी बाद में बताता हूँ, डिस्कस करेंगे उसके बारे में भी। पहले मैं आपको दूसरी चीज़ें दिखा देता हूँ। ये सैलो के जो है, ये वाटर बोटल हैं सैलो की, ये देखो, ये सैलो की वाटर बोटल हैं। इस पर 35% का मार्जिन है MRP पे 35%। जैसे MRP इसकी देखो 176 रुपये दी है ना, अगर इसकी हम पूरी MRP पे बेच देंगे तो हमें 36% मार्जिन मिल जाएगा। 36% फ्लैट है इस पर, आपको MRP पे 36% का मार्जिन है। सैलो की वाटर बोटल भी अच्छी है, ये ठंडा रहता है पानी इसमें, तो सैलो की वाटर बोटल आप देख सकते हो। इस पे जो आती है इसकी वाटर बोटल मिल्टन की, ऊपर ये जो मिल्टन की पड़ी है, इस पे 30% का मार्जिन है फ्लैट, 30% है इस पे 36% है। हाँ, तो आप ये देख लो कि अगर वो, लेकिन वो तो उस पे तो सीधा 10% डिस्काउंट हम देते ही हैं मिल्टन पे। तो आप मिल्टन तो आप और रिड्यूस कर दो 20 मान लो। ये है लंच बॉक्स, ये कंपनी के हैं, ये अच्छा है देखो। इस पे ये ना सब दिल्ली मेड है, 153 रुपये। ये आपके 35% मार्जिन पे आए हैं सारे, ये 35% मार्जिन है ये सारे लंच बॉक्स पे ना, आपको 35% मार्जिन मिल जाएगा। ये पेंसिल बॉक्स हैं,
ये भी 36% मार्जिन के साथ है। ये सैलो वाले का, जिससे मैंने सैलो का माल लिया उसी से लिया, इस पर भी 36% का मार्जिन है। ये सामने रेनकोट रखे हैं, ये तो सीजनेबल आइटम है। इस पर तो आप, मैंने तो ये 100 रुपये की चीज़ 200-250 रुपये लिख रखे, इस पर तो आपको 100% का मार्जिन मिल जाएगा, मतलब 100 की चीज़ सीधा डबल। हाँ, तो मिल भी जाता है रेट, ऐसा नहीं है, जब जब इसका सीजन होता है ना तब इसका रेट आपको मिल भी जाएगा। ये आपका, ये है आपका कप है, फैंसी कप है, ये सिपर है, है ना, ये आगे लाफिंग गुद्दा वाली है। इनका मार्जिन देखो मैं आपको अब क्या बताऊं, मतलब इसका आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कितने का बेच सकते हो, है ना। तो ये वैसे तो आते हैं 50%, हम तो 40-50% तो मार ही लेते हैं, लेकिन 50% कोई देता नहीं है, तो आप एवरेज इसको वही 40 मान लो, 35%, 40%, जितना आप कस्टमर से बना सकते हो वही वाली बात है। फिर ये सैलो की है, इसका तो मैंने आपको बता ही दिया, ये भी सब फैंसी आइटम्स हैं, ये गिफ्ट आइटम आते हैं, ये दिल्ली से आते हैं, इस पर आप 50% का मार्जिन ले सकते हो, 50% तक का मार्जिन ले सकते हो, मतलब 50 से ऊपर तो खैर इतना तो कोई नहीं देता है, लेकिन आप इसमें 50% तक का मार्जिन ले सकते हो, मतलब वही है आपके ऊपर डिपेंड है। ये नोटबुक है, इस पर 30% का मार्जिन है, पूरा 30%, इस पर पूरे पैसे मिल भी जाते हैं, इसमें ऐसा कमी रेट कोई कमी कम कराता है, तो इस पर आपको 30% पूरे मिल जाएंगे। ये रजिस्टर हो गए, ये कॉपियाँ हो गई, है ना, तो इस पर आपको 30% का मार्जिन मिल जाएगा। तो आप ये आप मान के चलो कि हाँ इस पर 30 दे ही देते हैं। बाकी ये देखिए, ये कलर्स हैं, कलर्स पे आपको मिल जाएगा लगभग 30% का मार्जिन, और अगर कंपनी के कलर्स नहीं है तो उस पर आपको 35-36% तक का मार्जिन मिल जाएगा। ये देखिए फाइलें हैं, पेन है, ये है, ये पेन है, पेन पे 30% मार्जिन है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, इसमें देखो कई होते हैं एमआरपी वाले आइटम। एमआरपी में भी क्या है, जैसे कोई कंपनी का ब्रांड की चीज़ें हैं उस पर आपको फ्लैट 30% तक का मिनिमम, देखो 30% तो कंपनी देती ही देती है, तो आपको फ्लैट 30% वो मिल जाएगा। जैसे अगर एमआरपी 100 रुपये है तो आपको 70 रुपये की चीज़ पड़ेगी, तो आपको फ्लैट 30% उसमें आपको मार्जिन मिल जाएगा। लेकिन आपको ये समझ के चलो, बाकी डिपेंड करता है आपके उस पर कि आप पूरा एमआरपी पे बेच रहे हो। वैसे एमआरपी पे आप कम ही लेते हैं, क्योंकि ये जब से ये मॉल वगैरह खुले हैं ना, ये मार्ट वगैरह, तो इन्होंने तो एक सीजन सा रिवाज सा बना दिया है कि 10% के साथ मतलब डिस्काउंट फ्लैट रहता ही है उनके मॉल्स पे, तो वो हर किसी को ही यहाँ मांगता ही है। तो आप मान के चलो कि आपका वहाँ 5-10% तो वहाँ ख़त्म हो जाता है मार्जिन। दूसरा जो नॉन कंपनी वाली आइटम है, जैसे जिनका इतना नाम नहीं है, रेनॉल्ड्स का नहीं है वो, और वो आपका डोम्स का नहीं है, वो आपका लिंक का नहीं है, तो अदर जो कंपनी का ब्रांड का आइटम है, तो उस पर आप आराम से क्या कहते हैं 35% तक का मार्जिन ले सकते हो। उस पर आदमी कम भी कम करता है तो 30% उसमें बच जाता है आपका। अब आती है बात सबसे मेन जो है नॉन MRP के। नॉन MRP वाली आइटम क्या होती है, जैसे रेनकोट हो गए, छाता हो गए, मैं आपको दिखाया, और आपको ये दिखाया था मैंने अभी, कई गिफ्ट आइटम हैं, सिपर हैं, कप हैं, ये आपको जैसे मान लो एक एक कप 35-35, 40-40 रुपये का पड़ता है। सिपर है वो 100-125 रुपये का पड़ता है, लेकिन मेरे पे फैंसी है तो 150-200 रुपये वाले भी। बैग हैं स्कूल के, है ना, तो कई लंच बॉक्स होते हैं, इन पे MRP कंपनी की नहीं होती, इसका कोई ठप्पा नहीं है, कोई कंपनी का ठप्पा नहीं लगा उसके ऊपर कि ये इस कंपनी का है। ये नॉन कंपनी वाले माने जाते हैं, नॉन ब्रांडेड कंपनी वाले जाने जाते हैं, जिसपे MRP नहीं लगी होती। MRP का मतलब होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, मतलब उससे ज़्यादा के रेट पे आप नहीं बेच सकते हो। इस पे तो कोई MRP ही नहीं है, तो मतलब वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितने का मार्जिन लेना चाहते हो, आप कितने में बेचना चाहते हो। तो हम उसमें क्या करते हैं, उसमें हम डबल लिख देते हैं। कई हैं इस पे हम 100-100% के साथ लिखते हैं, कईयों पे हम 200-200% के मार्जिन के साथ लिखते हैं, 100 की चीज़ 300 रुपये लिख देंगे। अब वो देखो, वो तो फिर अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आप उसमें कितना मार्जिन ले सकते हो कस्टमर से। आप शुरुआत उतने से करो, 300 रुपये से, 100 रुपये का आपको पता है कि 100 रुपये की चीज़ है, आपने 300 रुपये लिख रखा है, कस्टमर मरे दर्जे का 300 का 200 का तो दे के जाएगा ही। कई आते हैं 150 भी देते हैं, चलो ठीक है, लेकिन फिर भी आपको बचा ही ना, 50% तो बचा ही। तो उन पे ये डिपेंड करता है, वो आपके एरिया पे डिपेंड करता है, आपके मोहल्ले पे डिपेंड करता है, आपकी जगह पे डिपेंड करता है कि आप उस पे कितना परसेंट मार्जिन, और सबसे ज्यादा वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस पे कितना मार्जिन कस्टमर से लेना चाहते हो। वो आप चीज की वैरायटी देख के, चीज की क्वालिटी देख के, ऐसा होता ना, जरूरी नहीं होता कि कोई नॉन MRP वाली आइटम है या मतलब कंपनी की आइटम नहीं है तो मतलब उसकी क्वालिटी घटिया हो। अच्छी क्वालिटी की भी आती है, जब तक कंपनी की मोहर नहीं लगती तो उस पर एक बार सर्टिफिकेशन नहीं मिला है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ खराब है, है ना। तो जब ब्रांड
किसी चीज का बन जाता है तो उसको कंपनी को डर रहता है कि भाई अगर ये चीज खराब निकलेगी, अच्छी क्वालिटी की नहीं बनाऊंगा तो मेरा नाम खराब होगा बाजार में। लेकिन दूसरा वही होता है जो नॉन ब्रांडेड है, उस पर किसी को वो नहीं होता कि मेरा नाम खराब होना, तो उसको आदमी ऐसे ही मान लेता है। लेकिन ऐसा नहीं होता, कई कंपनियां अच्छी क्वालिटी की बनाती हैं, नॉन ब्रांड, पहले ब्रांड भी नॉन ब्रांड ही होते हैं, वो एडवर्टाइजमेंट के साथ अपना ब्रांड बना लेते हैं, है ना, या क्वालिटी के साथ धीरे धीरे। तो ऐसे ही नॉन एमआरपी वाली आइटम जरूरी नहीं है कि सारी खराब ही होंगी, आप उसकी क्वालिटी देख के, उसकी गुणवत्ता देख के, उसकी चीज को देख के आइडिया लगा सकते हो कि इसको मैं कितने का बेच सकता हूँ। 100 रुपए का अगर आपने लिया है तो आपको लगता है कि मैं इसको 300 का बेच सकता हूँ, तो आप लिख लो ना उसके ऊपर 300 एमआरपी। आपको लगता है कि यार इतनी ज्यादा महंगी नहीं दिख रही देखने में, इतनी कॉस्टली नहीं दिख रही, 100 रुपए 200 रुपए तक ठीक है, तो आप उस पर 200 एमआरपी लिख दो। आपके यहाँ पर ग्राहक ज्यादा बार्गेनिंग करता है तो आप 300 रहने दो, बार्गेनिंग करके 200 देके जाएगा। अगर यहाँ पे आपको लगता है कि ग्राहक ठीक है, अच्छा ग्राहक पड़ता है, अच्छा रेट दे देता है, तो अगर हम ज्यादा लिखेंगे तो उसके ऊपर मन में ये ना जाए कि इतना महंगा ले लिया और नॉन ब्रांड ले लिया। और आप उससे ब्रांड से कंपेरिजन करके भी देख सकते हैं कि यार ये मैं अगर ले रहा हूँ और इसका ब्रांडेड चीज तो सफारी की ओरिजिनल ये बैग आपको 500 रुपए का मिल रहा है और मैं इस पे 700 रुपए लिख रहा हूँ, तो वो भी गलत है। तो आप कंपेरिजन देख सकते हैं, उसके हिसाब से आप उस पर एमआरपी डाल सकते हैं और आप अपने यहाँ का कस्टमर देख सकते हैं। तो ये कई चीजें हैं जो अगर आपको नॉन एमआरपी वाली आइटम बेचनी है तो उस पर आपको पहले क्राइटेरिया आपको कई देखने पड़ेंगे कि उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, क्या बेच सकता हूँ। तो ये कई चीजें हैं। बाकी इसके अलावा अभी अभी शिक्षक दिवस निकला है कल, जैसे आज ये 6 तारीख है, कल टीचर्स डे था, मेरे पास कम से कम 150-200 पेन थे रेड कलर के, गिफ्ट आइटम के पर्पज से भी थे और सिंपल वाले भी थे, एक पेन नहीं बचा, सारे बिक गए। उसमें लगभग ऐसे टाइम जब होता है, जब किसी चीज़ का ओकेशनली टाइम होता है, जैसे अब टाइम है स्टूडेंट टीचर्स डे का, उस पर आपको पता कि लेना ही लेना है, उस समय आप उसमें अच्छा मार्जिन ले सकते हैं। जैसे मैंने पेनों पे मैंने कम नहीं करे, एमआरपी पे ही बेचे, 250-250 वाले पेन थे, 300 रुपए वाले पेन थे, 100 रुपए वाले पेन थे। तो आप ये जरूर याद रखिएगा, अगर आपकी स्टेशनरी की दुकान है, आपको एक चीज़ ये भी याद रखनी पड़ेगी हमेशा कि कौन सा डे आने वाला है। जैसे फ्रेंडशिप डे आता है तो आपको बैंड रखने पड़ेंगे, एक चीज़ आपको याद रखनी है, हमें जैसे कह रहा था अभी कि कोई जैसे टाइम आता है वो चीज़ आपको याद रखनी है। ये दुकानों पर बहुत मायने रखती है ये छोटी सी चीज़, आप ये चीज़ याद जरूर रखना कि जो डे आने वाला है उस चीज़ की प्रिपरेशन पहले से होनी चाहिए, मतलब सामान पहले से होना चाहिए। और उस पर आप चाहें तो डिस्काउंट नहीं भी देंगे, आपको पता है कि ये लेके जाना ही है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट है। मैंने कम से कम नहीं तो 150-200 रेड पेन बेच दिए हैं परसों से कल तक, तो आज तक मेरे से कस्टमर मांग रहे हैं, लेकिन अब मेरे पास ख़त्म हो गया, तब मैं इंटरेस्टेड भी नहीं था लाने, मैंने कहा दिन तो निकल गया, अब ज़्यादा ला करके रखूँगा, अभी थोड़े से ला करके ले आऊँगा, अभी मार्केट चक्कर लगेगा। तो ये चीज़ याद रखना, उसमें आप जितना मर्जी मार्जिन ले सकते हैं, जितना मर्जी का मतलब जितना आपको मार्जिन मिल रहा है, आप चाहें तो कम नहीं कर सकते, आपको मिल जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बाकी सब आइटम मैंने आपको बता दी, तो वीडियो ज़्यादा लंबी भी हो रही है, यहीं पे एंड कर देते हैं। बाकी मैंने आपको मेरे हिसाब से जो चीज़ें बतानी थी वो बताई दी इस वीडियो में, जो अपनों को कवर करना था। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। आप कमेंट करके अगर आप देखते हो ना, बताया ज़रूर करो कि आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, थोड़ा सा ना अच्छा लगता है अगर किसी के लिए 1% भी उसकी इन्फॉर्मेशन जो मायने रखती है, अगर काम आती है, तो आप ये चीज़ ध्यान रखना, हो सके तो लाइक कर देना वीडियो को, अच्छी लगे तो। बाकी जय हिंद, जय भारत।